जी गांव में एक किसान के घर के अंदर सास बहू के दरमियान हमेशा ठनी रहती थी। कई बार किसान की बीवी रूठकर मैके चली जाती और वो मिन्नत समाजत करके उसको ले आता। आखिरी बार बीवी ने किसान से कह दिया कि अब इस घर के अंदर मैं रहूंगी या तुम्हारी माँ। किसान अपनी बीवी पर बड़ा फिदा था। इस नादान ने दिल ही दिल में तय कर लिया कि रोज रोज के झगड़े का एक ही हल है कि माँ को रास्ते से हटा दिया जाए। चुनाचे एक बार वो किसी हीरे से अपनी माँ को अपने गन्ने के खेत में ले गया। गन्ने काटते काटते मौका पाकर माँ का रुख करके जू ही उस पर कुल्हाड़ी का वार करना चाहा, एकदम जमीन ने उस किसान के पांव पकड़ लिए। कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर दूर जा पड़ी और माँ घबरा कर चिल्लाती हुई गांव की तरफ भाग निकली। जमीन ने आहिस्ता आहिस्ता किसान को निगलना शुरू कर दिया। वो घबरा कर चीखता रहा और अपनी माँ को पुकार पुकार कर माफी मांगता रहा, लेकिन माँ बहुत दूर जा चुकी थी। कुछ देर बाद जब लोग वहां पहुंचे तो वो छाती तक यानी सीने तक जमीन में धस चुका था। लोग उसे निकालने की नाकाम कोशिश करते रहे मगर जमीन उसे निगलती ही रही, यहां तक के वो जमीन के अंदर समा गया। तौबा कीजिए, लरज उठिए, और अगर माँ बाप को कभी नाराज किया है तो जल्दी जल्दी उनके कदमों में गिरकर रो रो कर उनसे माफी मांग लीजिए। सदा मेरे माँ बाप रहे मुझसे राजी, कभी भी ना हो ये खफाया इलाही।